सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट में डॉलर का सिंबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो है सवाल के जवाब में। गूगल स्प्रेडशीट पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर हमने 100 टाइप किया हुआ है। अब अगर हमें यहां पर डॉलर का सिंबल ऐड करना है तो हमको जाना है यहां पर, ये देखिए यहां पर 123 लिखा हुआ है यहां ऊपर, ठीक है, और इसके बगल में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बना हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा और हमको सबसे नीचे जाना है मोर फॉर्मेट्स में, ठीक है। जब मोर फॉर्मेट्स पर आप कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, हमको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि मोर करेंसीज पे, ठीक है। तो जैसे ही आप मोर करेंसीज पे क्लिक करेंगे तो देखिए करेंसी का बॉक्स यहाँ सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये रुपीज का सिंबल बना हुआ है, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर हमें बस यूएस टाइप करना है। तो जैसे आप यूएस टाइप करेंगे नीचे यूएस डॉलर का ऑप्शन आ गया, बस इस पर क्लिक करिए तो ये देखिए डॉलर का सिंबल यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर देखिए अप्लाई का बटन दिया हुआ है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी डॉलर का सिंबल नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, हमें वापस से जाना है इसी में 123 वाले ऑप्शन में, ठीक है। उससे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जहां पर आपको डॉलर का सिंबल लगाना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद 123 वाले ऑप्शन पे जाइए और इस बार यहां देखिए नीचे डॉलर का सिंबल आपको दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि यहां डॉलर का सिंबल ऐड हो गया, ठीक है।